देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं नामुल्ला खान सासाराम के तकिया पटेल धर्मशाला में आज एक शिविर लगा हुआ है। यहाँ डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह जी हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ। और वो बहुत सारी डिग्री उनके पास है, ऑर्थोपेडिक्स सर्जन हैं। उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। जैसा कि स्थानीय लोगों से पता चला है, कुछ फ्रेंड्स हमारे हैं उनसे पता चला है कि आपका गांव जो है करहगर प्रखंड के थुरसन में है। सही सुना है आपने, मैं इसी मिट्टी से जुड़ा हूं। और इत्तेफाक की बात है कि आज जिस जगह पे ये शिविर आयोजन किया जा रहा है, यहीं पे हमारी प्राथमिक शिक्षा जो हमने यहीं से हासिल की है। 10th तक हमने पटेल स्कूल से ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद में फिर प्रिपरेशन के लिए पटना गया, वहाँ से मेडिकल में क्वालिफाई करके पिछले 10-12 साल से मैं एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रयागराज में काम कर रहा हूँ। लेकिन दिल में हमेशा रहता है कि जिस मिट्टी से आप जुड़े हो उनका भी भला होना चाहिए। तो अपने व्यस्त शेड्यूल से भी समय निकाल के मैं सोचता हूँ कि 15 दिन में, महीने में ज़रूर एक बार अपने लोगों के बीच में जाएँ, कुछ लोगों का भला करके आएँ। यही वजह है शायद कि मैं यहाँ पे पिछले 8 मई को आया था, फिर अभी आज 29 बाजार समिति के बगल में जी 8th मई को वहाँ पे हमने शिविर रखा था, 29th को आज पटेल स्कूल में कर रहे हैं हम लोग। और इस तरह से कार्यक्रम चलता रहेगा। एक सवाल और है, हम अपने दर्शकों को ये देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के जो यहाँ जो दर्द होती है, ये घुटने में जो दर्द होती है, उसके लिए क्या लेना चाहिए जिससे ना हो एहतियात, और उसके बाद उसका क्या मतलब? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि दवाइयां तो बहुत है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग के दिनचर्या में शामिल हो जिससे ये मर्ज की संख्या कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के पास में इतना बर्डन है बीमारियों का, उसमें से अर्थराइटिस भी बहुत कॉमन होता जा रहा है दिन ब दिन। इसके लिए प्रॉपर डाइट का होना ज़रूरी है, जैसे दूध की मात्रा होनी चाहिए, हरी साग सब्ज़ी फल ये सब फ्रूट्स कम होता जा रहा है डाइट से, और जो भी हम खा रहे हैं उतने उसमें भी प्योरिटी नहीं रह रही। तो अपने खान पान का ख्याल रखना है, प्लस में आप बार बार जो उकड़ू मुकड़ू बैठने का काम जो है कम से कम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप हर चीज़ की एक देखिए लॉन्जिविटी होती है, लाइफ स्पैन होता है, उसको हम जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा चलेगा। यदि हम ओवर यूज़ करेंगे किसी जॉइंट्स का तो डेफिनेटली उसकी लाइफ कम होगी, तो बाद में उसी को अर्थराइटिस के रूप में हमें मिलते हैं पेशेंट्स। यहाँ जो अभी शिविर लगा है डॉक्टर साहब, तो यहाँ दवा वगैरह सब फ्री और जाँच वगैरह? दवाइयों और जाँच पर भारी डिस्काउंट्स है, पूरी तरह फ्री तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मुमकिन नहीं होता। इतने 300 लोगों के पेशेंट्स, 400 पेशेंट्स यदि मैं देखता हूँ तो सबके लिए फ्री करना तो मुश्किल है, बट हमारा कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है और दवाइयों में भी जांच में काफ़ी छूट है। प्लस BMD जांच होती है जो हड्डियों में कैल्शियम की जांच करते हैं, कम्प्लीटली फ्री है। तकिया में भी एक मकान आपका है जो? बिल्कुल, हमें वही उसी मकान से मैंने अपनी पढ़ाई की है, आज भी है। देखिए डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी बात बोला, उनका कहना है कि यहाँ की मिट्टी से हमें लगाव था, हम पढ़ने के लिए हम ज़रूर इलाहाबाद चले गए, लेकिन मेरी चाहत है कि यहाँ के लोगों की सेवा करें और आज सेवा खुद दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।